गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार, सहायक प्रोफेसर इतिहास विभाग जेएमएस कॉलेज मुंगेर। विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट टू का महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पेपर फोर में आता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध का कारण। प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण था, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। विश्व इतिहास में 1914 का वर्ष एक ऐसे युद्ध के लिए उल्लेखनीय है जिसने संपूर्ण विश्व को अपनी आगोश में ले लिया और युद्धरत देशों ने अपने संपूर्ण संसाधन इसमें झोंक दिए। विश्व के लगभग तमाम देश इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। इस युद्ध ने कई देशों के राजनीतिक, आर्थिक स्थिति और यहाँ तक कि उसका नक्शा भी बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण हैं। हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के जो महत्वपूर्ण कारण है उसका पॉइंट बाय पॉइंट अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है उग्र राष्ट्रीयता या उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रीयता प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण है। बड़े एवं शक्तिशाली राष्ट्रों के अतिरिक्त ईरान और सर्बिया जैसे छोटे छोटे देशों पर भी उग्र राष्ट्रीयता का नशा चढ़ा हुआ था। ये बृहत्तर ईरान, बुल्गारिया, सर्बिया इत्यादि की मांग कर रहे थे। और हम देखते हैं कि चेक और स्लाव जैसी जातियां अपनी राष्ट्रीय आकांक्षा को पूरा करने के लिए यूरोप में अशांति उत्पन्न कर रही थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप होने लगा। धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर समान जाति और ऐतिहासिक परंपरा इत्यादि के लोग एक साथ मिलकर अलग देश का निर्माण चाहने लगा। कोई चाहता था कि हम अपने धर्म के नाम पर एक अलग राष्ट्र बनाएंगे, तो कोई जाति के नाम पर, तो कोई अपना संस्कृति के आधार पर एक अलग राष्ट्र निर्माण करने का सपना देख रहा था। इस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद ने यूरोप के सभी देशों के आपसी संबंध को तनावग्रस्त बना दिया। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है आर्थिक प्रतिद्वंद्विता। हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो है पूरे यूरोप में हो गई थी। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप के राष्ट्रों के आर्थिक जीवन में कई परिवर्तन आया। इसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि पूंजीवाद की उत्पत्ति हुई। यूरोप के राष्ट्रों के आर्थिक जीवन में औद्योगिक क्रांति के कारण जो है क्रांतिकारी परिवर्तन आया। पूंजीवाद ने अपने पूंजी लगाने के लिए उपनिवेश की मांग करने लगे। बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिए भी उपनिवेश की आवश्यकता थी। इस समस्या के समाधान के लिए साम्राज्य विस्तार से ही यह संभव हो सकता था कि उपनिवेश कैसे बने। तो कोई उपनिवेश कैसे बनेगा, जब तक उसके देश पर कोई अधिकार नहीं करेगा, अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगा, तब तक कोई जो है अपना उपनिवेश नहीं जो है खोलेगा। मतलब उपनिवेश बनाने के लिए दूसरे देश को अपने कब्जे में करना उस समय जरूरी था। इसलिए इन सभी राष्ट्रों के बीच आर्थिक महत्वाकांक्षा के कारण घृणा और अविश्वास का वातावरण तैयार हो गया। प्रथम विश्व युद्ध का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है साम्राज्यवादी होर या प्रतिस्पर्धा। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोपीय देशों के सामने व्यावसायिक माल की खपत, मतलब औद्योगिक क्रांति में तो बहुत माल उत्पादन हो रहा था, उसके खपत के लिए और कल कारखानों मतलब फैक्ट्री जो था उसको चलाने के लिए कच्चे माल की प्राप्ति की समस्या उत्पन्न हो रही थी। मतलब कच्चा माल भी चाहिए और व्यावसायिक माल को खपत करने के लिए मार्केट भी चाहिए, देश भी चाहिए। तो इस समस्या का समाधान साम्राज्य विस्तार से दिखाई दिया। इसलिए इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, यहाँ तक कि पुर्तगाल और डेनमार्क इत्यादि देशों ने भी अपना साम्राज्य बढ़ाने का प्रयत्न करने लगा। इससे जो है आपसी प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई। चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है वह सैन्यवाद और सशक्तिकरण। उग्र राष्ट्रीयता और साम्राज्यवादी मनोवृत्ति ने यूरोप के राष्ट्रों का ध्यान सैन्यवाद और सशक्तिकरण की ओर खींचा। फ्रांस, जर्मनी इत्यादि यूरोपीय साम्राज्यवादी राष्ट्र
अपने आमदनी का 85% तक जो है सैनिक तैयारी पर खर्चा करने लगे। इससे जो है राष्ट्रों के बीच भय तथा संदेह हो गया और दूसरे जो राष्ट्र था वह जो है युद्ध सामग्री जमा करने के लिए प्रेरित होने लगा और इस तरह प्रत्येक देश युद्ध के लिए जो है तैयार होने लगा। पांचवा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह समाचार पत्रों का झूठा प्रचार। समाचार पत्रों का झूठा प्रचार, हम देखते हैं कि आज भी जो है समाचार पत्रों का बहुत बड़ा योगदान है एक जगह से दूसरे जगह का समाचार पहुंचाने में, तो उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण था। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व सभी देशों के समाचार पत्र जो है एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे, इससे एक दूसरे की राष्ट्रीय भावना को ठेस लग रही थी, जनता पर जो है इसका बहुत बुरा असर हो रहा था। समाचार पत्र यदि निष्पक्ष हो तो कोई बात नहीं, सभी समाचार पक्ष अपने देशों में जो है मतलब झूठा प्रचार कर रहा था। अगला पॉइंट जो है छठा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वह है फ्रांस के बदले की भावना। जर्मनी का एकीकरण फ्रांस को पराजित करके पूर्ण किया गया था। फ्रांस का अल्सस लॉरेन का प्रदेश जो है फ्रांस को खोना पड़ा था। फ्रांस राष्ट्रीय अपमान को भूला नहीं था, वह जर्मनी से बदला लेने के लिए सोच रहा था। जर्मनी मोरक्को में फ्रांस का विरोध कर रहा था, इससे दोनों देशों में जो है पूरा अविश्वास और युद्ध जैसी भावना जो है छा गया। सातवां जो महत्वपूर्ण कारण है प्रथम विश्व युद्ध का वह है गुटों का निर्माण। हम अभी भी देखते हैं कि गुटों का जो है बहुत अधिक महत्व होता है, कोई भी निष्पक्षता में कोई भी चीज़ को इधर से उधर करने में जो है गुट बहुत बड़ा योगदान होता है गुटों का। तो गुटों का निर्माण यह है सातवां पॉइंट। साम्राज्यवादी लिप्सा के कारण शक्तिशाली देश अपने अपने हितों के अनुरूप गुटों का निर्माण करने लगे थे, परिणाम स्वरूप संपूर्ण यूरोप गुटों में बट गया। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। तो विश्व जो है इस समय पूरे यूरोप जो है दो गुटों में बट गया था, एक गुट में जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी तो दूसरे गुट में इटली था। हम देखते हैं कि दूसरे गुट में फ्रांस रूस और ब्रिटेन इत्यादि जो है शामिल हो गया। आठवां पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है और वह तत्कालिक कारण भी है वह सराजेवो हत्याकांड। युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या जो है बोस्निया की राजधानी सराजेवो में कर दी गई। ऑस्ट्रिया की सरकार ने राजकुमार की हत्या के लिए सबरिया को जो है दोषी ठहराया। सबरिया के समक्ष जो है उन्होंने 12 कड़ी शर्तें रखी, लेकिन सबरिया की सरकार ने सभी शर्तों को मानने से जो है इनकार कर दिया। मतलब इतना करे करे शर्त थी कि सबरिया की सरकार जो है उसे नहीं माना। फलस्वरूप ऑस्ट्रिया की सरकार जो है वह जो है बहुत गुस्से में आ गया। तो ऑस्ट्रिया की सरकार ने 28 जुलाई 1914 ईस्वी को युद्ध की घोषणा कर दी और अपनी सेना को सबरिया पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध की यहीं से जो है शुरुआत हो गई। इस घटना से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और युद्ध की समाप्ति जो है 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुई। हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 4 साल तक चलते रहा और इसमें जो है पूरे विश्व को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध की प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता इतनी व्यापक थी कि इतना अधिक से अधिक संसाधन बर्बाद हुआ कि हम इसका कल्पना नहीं कर सकते। विभिन्न अनुमानों के अनुसार लगभग 45 करोड़ लोग इस विश्व युद्ध से प्रभावित हुआ। लड़ाई में मरने वाले की संख्या लगभग 90 लाख बतलाई गई है। लाखों लोग जो है अपंग हो गया हवाई हमलों अकालों और इसके बाद इतना महामारी फैला कि आम नागरिक इससे सबसे अधिक प्रभावित हुआ। विभिन्न देश के राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था जो है चरमरा गई। अनेक देश का मानचित्र ही बदल गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध पूरे विश्व के लिए एक त्रासदी के समान था। उस समय हम देखते हैं कि कोई ऐसा पूरे विश्व स्तर पर कोई ऐसी संस्था भी नहीं थी कि युद्ध जैसी समस्याओं को एक मंच पर लाकर जो है इसे साझा कर सके
तो हम देखे कि प्रथम विश्व युद्ध का यही सभी पॉइंट है। धन्यवाद।